and would like to fade away as one more army officer who thought that he joined the army with a mission and he is leaving the army with the same mission, and that is, I am proud of the uniform that I wear, which is olive green, and I want to tell all my soldiers, main har ek jawanon se ye batana chahunga ki olive green ka sirf ek hi rang hota hai aur wo hai olive green, usme koi shades nahi hote hain. Welcome to the Unarchived. Unfortunately, hamare desh ke pehle chief of defense staff general Bipin Rawat ab hamare sath nahi rahe. 8 December 2021 को सुबह 9 बजे CDS जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी मधुलिका रावत के साथ दिल्ली से कोयंबटूर के लिए रवाना हुए. फ्लाइट में उनके साथ 8 और पर्सनल्स थे, जिनमें कुछ ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर्स भी थे. अप्रॉक्सीमेटली कुछ 2.5 घंटे के बाद उनकी फ्लाइट कोयंबटूर से सुलूर आर्मी कैंप पहुंची, जहां तकरीबन 10 मिनट रुकने के बाद वो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज DSSC वेलिंगटन में लेक्चर देने के लिए सुलूर से रवाना हुए, जो कि नीलगिरी जिले में कुनूर हिल स्टेशन से कुछ दूरी पे था. 12:20 पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ. क्रैश होते ही चॉपर में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी के साथ और 12 साथी भी गुजर गए. ये क्रैश कुनूर हिल स्टेशन के पास किसी जंगल के बीच हुआ. वो टेरेन इतना मुश्किल था कि वहां रेस्क्यू ऑपरेशन करने में लोगों को 1.5 घंटे लगे. स्पेक्टेटर्स का कहना है कि क्रैश के बाद जनरल विपिन रावत जिंदा थे और उन्होंने पानी के लिए भी मांग की. क्या रेस्क्यू ऑपरेशन की देरी की वजह से हमने अपने देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत को खोया? B-17 B-5 हेलीकॉप्टर इज सेट टू बी इंडेस्ट्रक्टेबल. ये डिफेंस हेलीकॉप्टर रशिया में मैन्युफैक्चर होता है. 2008 में इंडियन गवर्नमेंट ने 80 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट रशिया को दिया था, जिसकी डिलीवरी 2013 में स्टार्ट हुई और फाइनल बैच 2018 में डिलीवर हुआ. तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ उस टाइम कि इतना कैपेबल हेलीकॉप्टर अचानक से क्रैश हो गया? काफी एविएशन एक्सपर्ट्स और सीनियर पायलट्स ने ये स्पेक्युलेट किया है कि ये एक्सीडेंट लो ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स के कारण हुआ है. जब मौसम खराब होता है तब काफी बादल एक्सेसिव मॉइस्चर के कारण नीचे आ जाते हैं. हेलीकॉप्टर पायलट्स को इस वजह से विजिबिलिटी में काफी इश्यूज आते हैं. कहा जा रहा है कि CDS जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर लो विजिबिलिटी की वजह से एक लंबे पेड़ से टकराकर क्रैश हो गया था. दोस्तों, जब ऐसी कोई घटना होती है तब काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आती हैं. ऐसे ही एक थ्योरी सामने आई है जो पाकिस्तानी ट्विटर यूज़र एरोसेंट डिवीजन PSF ने पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि CDS जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर को एक पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की हेल्प से तमिल इंसर्जेंट्स ने शूट किया था. इस ट्विटर यूजर ने यह भी दावा किया है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले जल रहा था. 9 दिसंबर को दुर्घटनाग्रस्त Mi-17 V-5 हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स क्रैश साइट से रिट्राइव हुआ है. ब्लैक बॉक्स में सारा फ्लाइट डेटा और सारी इन फ्लाइट कन्वर्सेशंस रिकॉर्डेड होती है. ब्लैक बॉक्स की हेल्प से ये पता लग सकता है कि ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से Mi-17 V-5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ. रीसेंट अपडेट्स के मुताबिक सिर्फ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही इकलौते ऐसे आर्मी पर्सनल हैं जो इस क्रैश में बचे हुए हैं. सोर्सेस के मुताबिक अभी वो वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं. Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश की इन्वेस्टिगेशन अभी प्रायोरिटी पे चल रही है. लेट्स सी, इस इन्वेस्टिगेशन का कोई कंक्लूजन आएगा या ये फाइल्स के बीच में दबके रह जाएंगे.